Hi friends, today we will discuss about the end product of digestion. सबसे पहले यदि हम प्रोटीन की बात करें तो जो स्टमक में काइम होते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो गैस्ट्रिक जूस एसिडिक जो जूस होता है उसमें मिक्सअप हो जाते हैं जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं उन्हें काइम बोलते हैं, उनमें प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है। तो ये स्टमक जो में जो प्रोटीन होते हैं वो टूटकर पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस ये दो दो पेप्टाइड्स होते हैं इनमें टूट जाते हैं, जो कि इसको हमने पिछले लेक्चर में बताया था। और सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स नहीं टूट पाते वो प्रोटीन्स ही रहते हैं। तो प्रोटीन्स पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस ये जो होते हैं स्टमक में पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होते हैं वो ड्यूओडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले पार्ट में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद पेनक्रियाटिक जो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम होते हैं पुनः उन पर एक्ट करते हैं जो पेनक्रियाज द्वारा सेक्रेट होते हैं। वो कौन होते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये सभी एंजाइम्स पुनः ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड जो प्रोटीन है इन पे एक्ट करके इनको डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। ये सभी पेप्टाइड्स है पेप्टोन्स एंड प्रोटीएसेस, ये पेप्टाइड्स हैं इनको डाइपेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। पुनः उसी तरह यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ये भी बाई पेनक्रियाटिक एमाइलेज द्वारा इनका भी डाइजेशन होता है। ये भी ड्यूओडेनम में जाकर पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च जिसको स्टार्च भी बोलते हैं स्टार्च पॉलीसेकेराइड होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप है, इन पे पुनः एमाइलेज का एक्शन होता है। एमाइलेज इन्हें पुनः किस में कन्वर्ट कर देता है? तो डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। ये अंडरलाइन कर ले। इसके बाद जो होता है यदि कार्बोहाइड्रेट के बाद देखें तो फैट होते हैं। फैट्स में क्या होता है आप लोगों को बताए थे, फैट्स जो होता है बाइल द्वारा इनका डाइजेशन होता है। आपको इमल्सिफिकेशन पिछले लेक्चर में बताए थे, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स इनटू ए स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड मिसेलिस, इनको इनका डाइजेशन फैट्स द्वारा होता है। तो फैट्स का डाइजेशन बाइल जो होता है उसमें लाइपेज प्रेजेंट होते हैं, उन लाइपेज का एक्शन होता है फैट्स पे, इनको फैट्स को डाइग्लिसराइड और फर्दर उन्हें मोनोग्लिसराइड में ये कन्वर्ट कर देते हैं। बाइल में क्या? लाइपेज। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स देखें ये भी होते हैं जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड में होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड फर्दर जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लियस जो एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक जूस से ये न्यूक्लियस इस पे वर्क करता है और न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को तोड़कर न्यूक्लियोटाइड्स एंड फर्दर न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियोटाइड्स में जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है वो टूटता है तो न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। पुनः ये सभी जो है ये भी अभी पूरे एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है, ये इंड प्रोडक्ट हैं, बट फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं पुनः इन पर जो सकस इंटेरिकस जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इन सब पर एक्ट होता है। जो इंड प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे ड्यूओडेनम में टूटते हैं किसके? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड के जो इंड प्रोडक्ट होते हैं कौन कौन? डाइपेप्टाइड्स, डाइसेकेराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ये सब जो है इंड प्रोडक्ट। पुनः इन इंड प्रोडक्ट पर सकस इंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जो जूस होते हैं वो एक्ट करते हैं, वो उन पे काम करते हैं और पुनः इन सबको तोड़ करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उनको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करना ताकि एब्जॉर्ब हो पाए वो कहाँ होता है? तो वो वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम। एक्चुअली इनका एब्जॉर्प्शन होता है होना होता है इसलिए इनका डाइजेशन जो होता है म्यूकोसल इपिथेलियम के बिल्कुल क्लोज होता है और ये ड्यूओडेनम में होता है। कौन किसका किसका? जो इंड प्रोडक्ट है इनके डाइपेप्टाइड्स हैं, डाइसेकेराइड्स हैं, मोनोग्लिसराइड्स हैं एंड न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये इंड प्रोडक्ट हैं किनके? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड के। तो ये इनका एक्शन पुनः होता है अब सकस इंटेरिकस द्वारा अब फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो उसको भी जरा देख लेते हैं क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है इनके, यहाँ से कंटिन्यू करके देख लेते हैं। तो इनके फाइनल जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है आपके पुनः डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पुनः ड्यूओडेनम में टूटता है। डाइपेप्टाइड्स जो होता है डाइपेप्टाइडेजेस जो एंजाइम होते हैं आपको सकस इंटेरिकस में इन पे एक्ट करते हैं किस पे? डाइपेप्टाइड्स में, इनको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। पुनः माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करता है और उसको टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज पर लैक्टेज एक्ट करता है और उन्हें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक उसी तरह सुक्रोज पे सुक्रोज एक्ट करता है और उन्हें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। इसके आगे
आपके न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइडेजेस के एंजाइम की प्रेजेंस में आके न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होता है, पुनः न्यूक्लियोसाइडेजेस इन्हें न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर एंड बेसिस, ये जो एंड प्रोडक्ट है, इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब फाइनल एंड ऑब्जर्वेबल फॉर्म हुए एंड प्रोडक्ट, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। और ये जा कर के जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं या लैक्टिल्स होते हैं उनमें जाकर फाइनली एब्जॉर्ब होते हैं और टिश्यू तक जाते हैं और अपना वर्क को करते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फिर उनके ग्रोथ में या फिर उनके रिपेयर में भाग लेते हैं। तो फिलहाल में ये फाइनल जो प्रोडक्ट थे डाइजेशन के ये थे। तो अगले लेक्चर में हम लोग इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लेक्चर को शेयर करने की कोशिश करेंगे और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।